गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का प्रीवियस क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डीएनए के बारे में बताया था, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, देन डीएनए क्या होता है, कहाँ लोकेटेड है, वेयर इट इज लोकेटेड एंड विच एंड टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए में कौन कौन सी बेस पेयरिंग होती है, शुगर पेंटोज शुगर होती है, इसके अलावा हमने बताया था कौन कौन से वेरिएशंस हैं। फर्दर इन वेरिएशंस को हम आज डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। एक्सरे एनालिसिस ऑफ डीएनए क्रिस्टल्स एट एटॉमिक रिजोल्यूशन हैव रिवील्ड दैट डीएनए एक्सिबिट्स मच मोर स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी देन फॉर्मली इन्वेस्टिगेट सच वेरिएशंस आर। एक्सरे एनालिसिस जब डीएनए क्रिस्टल्स का किया, एटॉमिक रेजोल्यूशन ने क्या रिवील किया कि डीएनए शो करता है स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। सच वेरिएशंस कौन कौन से, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए। अब बी डीएनए क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन बी डीएनए कॉमन होता है, ओरिजिनली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एक्सरे डिफरेंशिएशन। ये डिफ्रेक्शन एक्सरे डिफ्रेक्शन की रिड्यूस फॉर्म है ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ डीएनए फाइबर्स एट 92% रिलेटिवली ह्यूमिडिटी। और इसमें ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। देन ए डीएनए ओरिजिनली आइडेंटिफाइड बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन, ये भी एक्सरे डिफ्रेक्शन के एनालिसिस पर ही आइडेंटिफाई किया गया है। और जब इसका एनालिसिस करते हैं तो डीएनए फाइबर्स एट 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% होती है। देन जेड डीएनए, दिस इज लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, विंड्स टू द लेफ्ट इन द जिगजैग पैटर्न, जो कि लेफ्ट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में इनका टर्न होता है और ये जिगजैग पैटर्न पर होती है। देन सी डीएनए फॉर्म बाय 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसमें देखिए और कम है, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 66% होती है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आयन, और इसमें लिथियम और मैग्नीशियम आयन भी होते हैं। देन डी डी एन ए जेयर वेरियंट विद 8 बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न, ये जेयर होता है, वेरियंट होता है, इसमें 8 बेस पेयर्स होते हैं जबकि वैसे 10 होते हैं। फॉर्म इन स्ट्रक्चर डिवॉइड ऑफ ग्वानिन, उसमें ग्वानिन नहीं होता। ई डी एन ए एक्सटेंड और ई सेंट्रिक डी एन ए, जो ई डी एन ए है ये एक्सटेंडेड डी एन ए कहलाता है या ई सेंट्रिक डी एन ए भी कहलाता है। तो हमने इस तरह से देखे बी डी एन ए, ए डी एन ए, जेड डी एन ए, सी डी एन ए, डी डी एन ए एंड ई डी एन ए। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बी डी एन ए। बी डी एन ए को किसने डिस्क्राइब किया, क्या होता है ये, डिस्क्राइब बाय जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक और जेम्स डी वॉटसन ने इसको डिस्क्राइब किया। कॉमनली फाउंड इन डी एन ए, ये बहुत कॉमनली मिलता है। डी एन ए मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू हेलिकल पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कॉइल्ड अराउंड कॉमन एक्सिस। इसमें क्या होता है, डी एन ए मोलिक्यूल्स की दो हेलिकल स्ट्रक्चर जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन की हैं कॉइल्ड होती हैं कॉमन एक्सिस पर। टू हेलिकल्स आर वून इन सच अ वे सो एज टू प्रोड्यूस टू इंटरचेंज स्पेसिंग और ग्रोव। ये टू हेलिकल इस तरीके से होते हैं कि इनमें एक इंटरचेंज स्पेसिंग और ग्रोव बन जाते हैं। मेजर वाइड ग्रोव विथ 12 एंगस्ट्रम एंड डेप्थ 8.5 एंगस्ट्रम। इसमें दो ग्रूव होते हैं, एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। मेजर जो होता है इसकी विड्थ 12 एंगस्ट्रम और डेप्थ 8.5 एंगस्ट्रम होती है, वाइल माइनर नैरो ग्रूव होता है, इसकी विड्थ 6 एंगस्ट्रम होती है और डेप्थ 7.5 एंगस्ट्रम होती है, मीन्स विड्थ जस्ट हाफ हो जाती है। दीज ग्रूव्स प्रोवाइड सरफेस विद विच प्रोटीन केमिकल्स ड्रग्स कैन इंटरेक्ट। ये जो ग्रूव्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं सरफेस जिससे कि प्रोटीन केमिकल ड्रग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए ये दिखाया हुआ है डायग्राम, जब भी आप डिस्कस किया बी डी एन ए का डायग्राम है, यहाँ डायमीटर देखते हैं 20 एंगस्ट्रम, देन मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव दोनों दिखा रखे हैं। आप देखिए मेजर ग्रूव, ये जो बड़ा ग्रूव है ये मेजर ग्रूव है, ये माइनर ग्रूव है।
आपको बताया था जस्ट हाफ होती है 12 और 6 होती है, जबकि वहाँ 8.5 और 7.5 होती है। ये देखिए दोनों में लिखा हुआ है, मिडिल में सेंट्रल एक्सिस है, इसके चारों तरफ क्वाइल्ड रहते हैं, माइनर ग्रूव एंड मेजर, और ये वन कंप्लीट टर्न 30 एंगस्ट्रम का कंप्लीट टर्न है यहाँ से यहाँ तक ये, और ये इसमें नाइट्रोजनस बेस है एडिनिन थायमिन ग्वानिन एंड साइटोसिन। टू हेलिकल वेंड अलोंग द मॉलिक्यूल, टू हेलिकल वेंड मॉलिक्यूल के अलोंग होती हैं सारे सारे, टू चेन्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर एंटी पैरेलल, जो चेन्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, मीन्स एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होती हैं, एंड द प्लेन ऑफ बेस आर परपेंडिकुलर टू हेलिक्स एक्सिस, और जो प्लेन बेस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं हेलिक्स के, इनका जो प्लेन होता है परपेंडिकुलर होते हैं, राइट हैंडेड ट्विस्टिंग, इनकी ट्विस्टिंग राइट हैंडेड साइड में होती है, यूनिफॉर्म डायमीटर, डायमीटर इनकी यूनिफॉर्मली होती है 20 एंगस्ट्रम होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो होती है, बेस पेयरिंग पर टर्न 10 एंगस्ट्रम होती है, और जाइज पर बेस 3.4 होती है, तो जो कंप्लीट टर्न है ये 3.4 और 10 तो 34 एंगस्ट्रम का हो जाता है। ए डी एन ए वॉज ओरिजिनली आइडेंटिफाइड बाई एक्सरे डिफ्रेक्शन, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ए डी एन ए। अब ए डी एन ए ओरिजिनली आइडेंटिफाई किया गया था एक्सरे डिफ्रेक्शन से, एनालिसिस ऑफ डी एन ए फाइबर्स एट 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी सी कितनी है 75% होती है, द ग्रूव्स आर नॉट डीप इन बी डी एन ए, ग्रूव्स जो हैं वो इतने डीप नहीं होते, द बेसिज आर मोस्ट टिल्टेड, और जो बेस हैं इनके टिल्टेड होते हैं 20 एंगस्ट्रम है, द बेस पेयर्स पर टर्न 11, वहाँ 10 था या बेस पेयर्स पर टर्न होता है, राइज पर बेस 2.3 जबकि वहाँ 3.4 था एंगस्ट्रम होता है। देखिए यहाँ दे रखा है ए डी एन ए का डायग्राम, जैसा कि बताया था वो आप देखिए, ये बेस पेयरिंग है यहाँ पर और ये टिल्टेड दिखाया हुआ है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जेड डी एन ए। अब जेड डी एन ए वन ऑफ द मैनी पॉसिबल डी एन ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये भी पाया जाता है काफ़ी, और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर विंड्स टू लेफ्ट अ जिग जैग मैनर, और जो ये लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये लेफ्ट साइड में होती है और एक जिग जैग मैनर में होती है, डी एन ए बैकबोन वेयर इन जिग जैग मैनर, और जिग जैग मैनर में इनकी बैकबोन होती है, सो दे आर टर्म्ड एट जेड डी एन ए, क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड है जिग जैग मैनर में होते हैं इसलिए ये जेड डी एन ए कहलाते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जैसे बी डी एन ए की वॉटसन एंड क्रिक ने की थी, तो इसको डिस्कवर किया था जीच एंड नॉदिम एंड वोंग ने 1984 में। इट हैज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स एज बी डी एन ए, इनमें भी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, इट इज़ लॉन्ग एंड थिन एज कम्पेयर टू बी डी एन ए, ये बी डी एन ए कंपेरिजन में लंबा होता है और थिन होता है, पतला होता है। रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके, एडजेसेंट शुगर हैव अल्टरनेटिंग ओरिएंटेशन, जो रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडजेसेंट शुगर की अल्टरनेटिंग ओरिएंटेशन होता है अगेंस्ट बी डी एन ए विच हैज सेम ओरिएंटेशन, जबकि बी डी एन ए में सेम ओरिएंटेशन होता है, इनमें अल्टरनेटिंग ओरिएंटेशन होता है। इन जेड डी एन ए प्यूरिन्स सिन कन्फर्मेशन, जेड डी एन ए प्यूरिन्स का सिन कन्फर्मेशन होता है, बेस एंड शुगर नियर आर नियर ऑन द सेम साइड, वाइल इन पिरिमिडीन एंटी बेस एंड शुगर डिस्टेंट ऑन अपोजिट साइड्स, ओनली वन डीप हेलिकल ग्रूव और एक डीप हेलिकल ग्रूव होता है, देयर आर 12 बेस पेयर्स पर टर्न, जबकि वहाँ 10 थे यहाँ 12 बेस पेयर्स होते हैं पर टर्न, विद एक्साइल राइज 3.8 एंगस्ट्रम एंड एंगल ट्विस्ट 60 एंगस्ट्रम, इसमें एक्साइल 3.8 एंगस्ट्रम का होता है और एंगल 60 एंगस्ट्रम ट्विस्ट होता है। यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये जेड डी एन ए का डायग्राम है, जिग जैग पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ये लॉन्ग एंड थिन है और आप देखिए जेड फॉर्म इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब हम इनमें देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेज हैं, हर एक को हमने क्लासिफाई किया है यहाँ ए बी और जेड में। हेलिक्स, हेलिक्स ए में राइट हैंडेड है, बी में राइट हैंडेड है, वाइल इन जेड डी एन ए हेलिक्स इज लेफ्ट हैंडेड,
विड विडेस से यहाँ बी इंटरमीडिएट होता है जो कि वो नैरोस्ट होते हैं। प्लेन ऑफ बेस ए डी एन ए में परपेंडिकुलर टू हेलिकल एक्सिस, हेलिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इन सेम बी डी एन ए, बी डी एन ए भी हेलिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। एंड इन जेड डी एन ए परपेंडिकुलर टू हेलिक्स एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस में हम देखते हैं 64 होल्स अलोंग द हेलिक्स एक्सिस। यहाँ सेंट्रल एक्सिस है उस सॉरी 6 एंगस्ट्रॉम होल्स अलोंग द हेलिकल एक्सिस। यहाँ 6 एंगस्ट्रॉम के होल्स होते हैं, जबकि बी डी एन ए में टाइनी सेंट्रल होते हैं, उनमें नो इंटरनल स्पेस। जेड डी एन ए में कोई इंटरनल स्पेस नहीं होती, जिग जैग फॉर्म में होते हैं। देन मेजर एक्सिस ए डी एन ए में नैरो होती है और डीप होती है एक्सिस। वाइड एंड बी डी एन ए वाइड एंड डीप होती है, जबकि जेड डी एन ए में कोई मेजर ग्रूव नहीं होता। अब डायग्राम देखेंगे हम। यहाँ ए डी एन ए आप देखिए मेजर ग्रूव है, ये बी डी एन ए ये माइनर ग्रूव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये माइनर है, दिस इज मेजर ग्रूव एंड दिस इज माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये मेजर ग्रूव आप देखिए यहाँ काफ़ी दिखाई दे रहा है। ए डी एन ए की स्ट्रक्चर, देन बी डी एन ए और जेड डी एन ए तीनों की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। तो इस तरह से हमने आज देखा डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस इन डी एन ए हमने पढ़े। इन वेरिएशन में हमने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म ऑफ डी एन ए, जिसमें हमने बी ए जेड सी डी ई के बारे में पढ़ा। फिर हमने वन बाय वन बी डी एन ए देन इसका डायग्राम कि कितना तो इनमें शुगर फॉस्फेट बॉन्ड होती है, कौन से माइनर मेजर ग्रूव्स होते हैं और क्या इनका डायमीटर होता है। देन ए डी एन ए, ए डी एन ए का डायग्राम, जेड डी एन ए, जेड डी एन ए, देन हमने ए बी जेड में क्या डी एन ए कन्फर्मेशन है ये हमने देखा। थैंक यू।